कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा होशियारी भारी पड़ती है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, क्या चाइना के एक्शन के बाद घबराया हुआ पाकिस्तान रूस के शरण में गया है, या फिर कुछ और चाहिए रूस से? जानेंगे पाकिस्तान अचानक से रूसी राजदूत के साथ क्यों मिल रहा है और शहबाज शरीफ खुद मिल रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, क्या भारत फ्रांस में भेजेगा अपनी सेना सुरक्षा करने के लिए? फ्रांस ने बड़ी मदद मांगी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश को सुरक्षा के लिए भारत की सेना की जरूरत क्यों आन पड़ी है? जियोपॉलिटिक्स में कई सारी चीजें चल रही है, जानने को हमेशा की तरह मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर पिछले साल की है और अक्टूबर महीने के आसपास की है। इस तस्वीर में आपको काकर दिख रहे हैं, जो उस समय कार्यकारी पीएम थे पाकिस्तान के। काकर राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें बिलावल भुट्टो सरगई लवारोव के साथ रूस में मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं। खास तौर पर बिलावल भुट्टो उस समय विदेश मंत्री थे और वो पहुंचे थे रूस। सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नहीं, इसके बाद ये भी देखने को मिला कि अगस्त महीने में ईरान, रूस, चाइना और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक भी हुई थी। ये जो बीच में देख रहे हैं, ये उस समय चाइना के विदेश मंत्री हुआ करते थे, जो अचानक से गायब हो गए, तो फिर उन्होंने कभी दर्शन ही नहीं दिया। यहाँ पर एक खास मीटिंग भी देखने को मिली। इसके अलावे और भी कई मौकों पर रूस के साथ मीटिंग करते हुए दिखे पाकिस्तान के नेता। पहली बात तो ये है, आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है? दो चीजें हैं। इस वक्त चाइना अपने हाथ पांव समेट रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिलहाल के लिए चाइना ने अपने 1500 नागरिकों को निकलने का आदेश दे दिया है। दूसरी तरफ 3 डैम प्रोजेक्ट को कथित तौर पर बंद कर दिया गया है और अब यहाँ पर पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि चाइना अगर हाथ से गया तो फिर अरब डॉलर के प्रोजेक्ट भी हाथ से जाएंगे। अब वो किसकी तरफ जाकर खड़ा हो? तो हमने आपको सुबह ही एक खबर दी थी कि यूएस के प्रति भी यहाँ पर थोड़ी नरम रुख देखने को मिल रही है। रूस के शरण में पहुंचने के एक नहीं बल्कि दो कारण हैं। पहली बात तो ये है, भारत और रूस की दोस्ती दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तान चाहता है कि रूस के साथ हम संबंधों को ठीक करें, और न सिर्फ संबंधों को ठीक करें बल्कि ऊर्जा, व्यापार और निवेश, इन तीनों चीजों में रूस का सहयोग लें। पिछले सप्ताह मॉस्को के बाहर क्रोकस सिटी हॉल हमले में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया था पाकिस्तान ने। इसके अलावा शहबाज ने इस्लामाबाद में रूसी राजदूत अल्बर्ट पीक और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत अच्छे बढ़े। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को पाकिस्तान आने का निमंत्रण भी दिया। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि पुतिन पाकिस्तान की यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे। बैठक में मौजूद राजदूत ने पीएम को आश्वासन दिया कि रूस भी पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहता है। जहां तक ऊर्जा की बात है, तो यहाँ देखने को मिला है कि पिछली बार पाकिस्तान ने एक टैंकर तेल मंगाया भी, पर ये फॉर्मूला काम नहीं कर पाया क्योंकि रूसी तेलों को रिफाइन करने के लिए मौजूदा फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर कथित तौर पर वैसी नहीं है जो कि ज्यादा से ज्यादा तेल को निकाल सके। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि यहाँ क्यों रूस मिलना चाह रहा है, पर कहा जा रहा है व्यापार, चाइना और ब्रिक्स, ये तीन वजह है जिसकी वजह से रूस के साथ पाकिस्तान मिल सकता है। ब्रिक्स में एंट्री चाहता है पाकिस्तान और भारत और रूस दोनों ही इस एंट्री के खिलाफ बताए जा रहे हैं। रूस इस वक्त उदासीन है। रूस भी नहीं चाह रहा है कि वो भारत के विरोध में जाते हुए ब्रिक्स में किसी तरह की एंट्री पाकिस्तान को दे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से फ्रांस ने एक बड़ी मदद मांगी है। हाल ही में रूस के क्रोकस मॉल में जिस तरीके से
आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले ने यूरोप को इस वक्त हिलाकर रख दिया है और यूरोप में भी एक डर का माहौल है कि कहीं इस तरह के आतंकी हमले न होने लगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये जो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक तरफ रूस में हमला और रूस के बाद फिर पाकिस्तान में हमला, एक माहौल ऐसा खड़ा हो गया है जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर भी डर हावी हो रहा है। हमने आपको हाल फिलहाल में बताया था, स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, कि फ्रांस ने टेरर अटैक के लिए अपने देश में हाईएस्ट लेवल को अलर्ट कर दिया है, यानी कि अपने देश की सुरक्षा जो अधिकतम होती है वहां तक यहां पहुंचा दी गई है। और फ्रांस को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फ्रांस को टारगेट करने की कोशिश हो। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि फ्रांस को क्यों टारगेट किया जाएगा। फ्रांस ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 45 देशों को भी कहा है कि आप हमारे देश में अपनी सेना भेजिए, पुलिस भेजिए और हमारी सुरक्षा में मदद करिए। अब मामला क्या है? तो मामला ये है कि 2024 का फ्रांस ओलंपिक का आयोजन कर रहा है। अब इस आयोजन में न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि बहुत बड़ी संख्या में, लाखों में दर्शक आने वाले हैं। दर्शक के अलावे बहुत सारी बड़ी संख्या में पर्यटक भी आने वाले हैं, विदेशी मेहमान भी आने वाले हैं। फ्रांस के लिए ये एक बहुत बड़ा क्षण है और बहुत बड़ा क्षण के साथ साथ फ्रांस के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब फ्रांस फिलहाल के लिए इस ओलंपिक के लिए खुद के 45,000 फ्रांसीसी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स, इसके अलावे 20,000 प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल, 45,000 फ्रांसीसी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स, इसके अलावे 20,000 प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल, इसके अलावे 15,000 मिलिट्री के लोग इतनी बड़ी संख्या में हर दिन इस इवेंट की सुरक्षा करेंगे। आपको बता दें ये भी कम पड़ रहे हैं और इस वक्त चाह रहा है फ्रांस कि 45 और देश उसका सहयोग करें। उन्होंने कहा है कि 45 देश मिलिट्री और नॉन मिलिट्री लोगों से हमारी सहयोग करें ताकि हमारे पास किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। वैसे आपको बता दें ओलंपिक के लिए फ्रांस की तैयारी कैसी है, तो फ्रांस ने माइंस एक्सपर्ट, ड्रोन एक्सपर्ट, इसके अलावे फ्रॉड डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट, इन सब की तैनाती करी है। वैसे तो देखकर ही लग रहा है कि बहुत ही मजबूत ढंग से फ्रांस आयोजन कर रहा है, फिर भी यहाँ पर फ्रांस ने 45 देशों से मदद मांगी है। फ्रांस का कहना है 35 देशों ने हाँ कहा है, अभी भी 10 देशों की तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया है। इन 45 देशों में भारत भी एक देश है। वैसे तो इजराइल और अमेरिका भी अपनी सेना को कथित तौर पर भेज रहे हैं। वैसे कितनी संख्या में होंगे, कितने संख्या में सैनिकों की जरूरत है, ये सब कुछ अभी डिटेल निकल कर नहीं आया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।